राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है। चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, भाई जान, आदिल वन, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तन्नू भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? राखी ने कपड़े फेंके और बोले, अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं दो दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? दो दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ? सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। बोलने लगी, सॉरी, मैंने रियलाइज किया इस दो रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया, मुझे माफ कर दो, मैं मीडिया के सामने आके माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा, इतना रो तो इतना रही थी, नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती हो, बोलती हो, क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने के लिए गया हूँ, सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ कोशीवरा पुलिस स्टेशन। छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है, और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैप किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है, सॉरी। ये हालत मेरी राखी ने की। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिजाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला, ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक-एक ड्रेस 1-1 लाख की, उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लामी में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए, वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी रिसेंट उसकी उनके पोस्ट में उनके कपड़े ही ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी, कपड़े कैसे थे राखी के, आई यूज टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ, समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ, इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकंड भी ये चीज के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी के गलतियां रख के राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? बिल्कुल दैट आई बिलीव्ड राखी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था, जब हमारे कन्वर्सेशन होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो, जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज, आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली लाके राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर दूँगा। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं, तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी, तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ, जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उमरा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस, उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल
चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट, इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को तो पता है हम मीडिया में दिखते थे, वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में, शादी के बाद भी। आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा, और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेम्बर, मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था, क्यों, मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विद मी, रहे थे कि इस ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताए ये मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं, पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ, मैं फेस भी नहीं कर पाया। माई आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बींग अ हस्बैंड कि राखी क्या क्या है ये, वाई दिस इज हैपनिंग। राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। एक मिनट एक मिनट, आदिल भाई आदिल सेंटर में दिखा, वीडियो में दे दूंगा आप लोग बाद में देख लेना किस तरह रहता है। आया मैं उन सोर से, वो तो अभी मैं नहीं बता सकता। आदिल भाई देखो, इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता, बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है, लॉबी के वीडियोस हैं मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव। फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है, जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो, मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, जैसे यशराज नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया। मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आखिर राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा, और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया घूमा फिरा फेमस होकर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में कर रहा था। तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था, देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात करूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। सीरियसली जब राखी से आप मिले थे हम लोगों को ऐसा लगा था पूरी मीडिया पर कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से मिले और राखी आपको सपोर्ट करेगी, क्या था वजह, राखी से जुड़ने की वजह क्या थी, क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, राखी को आप नहीं जानते थे ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े, आपका रीजन क्या था। Again, one second, give me a second. And also, addition to that question, how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her purana husband's relationship? Because dono kafi famous the, dono Big Boss ke saath aaye the. So, aapka kehna ki because I used to love her, which is why I never, doubted her or their relationship, makes no sense. देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक, सबसे पहले मैंने ये पूछा था आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि आपने स्वयंवर किया, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी, वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज़ है बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, अब तो बहुत कुछ बात किया था दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है।
उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव हर। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कॉन्ट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है। बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसी रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू क्रैक उसका पास्ट। पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वॉन्ट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान नहीं सर, नहीं सर, कोई भी पिक्चर नहीं है आपके पास है तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना वो। सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो ये वो। तो राखी साहब ने ये स्टेटमेंट और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि वो ही एनजीओ नहीं चलाती है। वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने में। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितना भी आपने मुझे अभी बताया एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना, जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीजों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से, am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला, मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ, आई वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर, मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा, 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग मैं जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग कोलोनाजिपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना, आदिल पूरे एविडेंस चाहिए, आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँ, आप प्लीज उसको झूठ भी कंसिडर कर लें अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे, रुपीज उस पर खर्चे आज की डेट लास्ट डिसंबर तक 31 लाख रुपीज मैंने ऑलरेडी खर्ची थे ईरानी लड़की पे, वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ आप ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था, आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूंगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। तो राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है, पर बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी,
मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से एंटेंगे। प्लीज आप मुझे एक हेल्प करो, उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं। आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है। तो 1.5 साल तक तुम के चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी? आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को खत्म कर दोगे? 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज ईरानी लड़की के साथ आपके रिलेशनशिप, एक सेकेंड। तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है अब दोबारा मिस कॉल। रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए। टेबल मत थिला। 21 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गए। राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियो इंस्टाग्राम में है कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए एंटूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। दो लोगों के बीच की एक मिनट मैं बोल देता हूँ नहीं, दो लोगों के बीच की बात की थी राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे एक दो दुश्मन को जो राखी के दो भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारी सजा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे अंदर बैठे हो, चलो 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे 25 लाख रुपीज। मैंने कहा सर, ब्रदर, वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ, ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट में आपको से बोलना चाहूंगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजिली, सच में बता रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो, फाइंडे ऐसा आ गया जो होता देखा जाएगा, 10 साल बैठूंगा तो 10 साल, बाहर आके बात ही करूंगा, मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं झूठे झूठे केसेस बहुत बहुत, लड़की जाके बोलती है रेप तो फुटा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, अंदर की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर ने हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे ये सब था, और जो भी राखी ने आपको पिक्चर दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और तनु चंदेल से राखी एक दो बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड, क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती, तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज ना उठा पाए? क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? जैसे जैसे राखी को पता चला था कि मैं
मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखो राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। भाई वैसे दिखाओ ना सेंटर में, हाँ। प्ले करो, प्ले करो, ऑफकोर्स भाई प्ले करो, वापस से प्ले करो। नहीं मैं पूरे वीडियोस दूंगा, हाँ भाई साथ में आपको ग्रुप में डालो, हाँ ग्रुप में साथ में, ठीक है राखी के ग्रुप में। दिस वाज ऑन फरवरी 1st, राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ? सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को मेरी फैमिली को वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज आपने मैंने बताया था क्यों क्या रीजन है। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, मैं लगता है मैं मैसूर आ जाऊँगा। मैं फैमिली वाले ठीक है आ जाओ क्या हुआ, मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊंगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द, और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं फाइनेंशियल्स जो भी है हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम खत्म करते हैं और मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूं या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूं जो मैं नहीं रह सकता। Let's end it there. तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी कोई फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड के, डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ ज़्यादा बात नहीं करता उनसे तो मैंने नहीं किया, तो थर्ड एक 2-3 मिनट तो थे मेरे पास। आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बॉम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत टैग्स वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, डू यू रिमेम्बर? नहीं आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है, मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो? बोलती है वाई नॉट फिटनेस में, नीचे हो आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो अभी, तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज है, अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी जिंदगी। और बोलते हैं गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही, ये नहीं मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा। ये राश्री मैडम कट करती है और उनको फोन करके बोल देती है राखी 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 बताओ। राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ 1 मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के जहाँ लास्ट टाइम मिला था, खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहती हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी हमारा रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, 1-2-3 महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए? राखी बहुत फास्ट चीजें हो रही है, तुम रोज हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते। राखी मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कॉन्ट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइंड चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट मैंने कहा, मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 1,25,000-1,30,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहता हूँ। वो बोली रात थी 10:30 बजे उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ, अभी तुम ये बताओ जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगे तो नहीं? नहीं राखी मुझे लगता है मैं बताऊँ, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो ठीक है, आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ? घर आ जाओ।
10:30 थे सवेरे मॉर्निंग, आई कॉल्ड हर, राखी राखी क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ सब कुछ लेके जाओ, कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुँचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे। मैं गया, मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक, मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक मैंने साइन किए, ठीक है ओके ओके, मैं सब कुछ ले रहा था। राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी मैंने रियलाइज़ किया इस दो रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया मुझे माफ़ कर दो, मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने सब कुछ, ब्ला ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा, इतना रो तो इतना रही थी, नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव, ठीक है मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो हम बात करते हैं, चार्जेस क्या है मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पे एफ आई आर हुआ है रात में 3:30 बजे, राखी ने मुझे रात में मेरी चीजें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो एफ आई आर करना चाहती थी मेरे, राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद एफ आई आर कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है, उन्होंने बोला हाँ कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएं लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आप, आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6:30 बजे आप जा सकते हो। बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके थी आगे। मैं बोला क्या हुआ, बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है इसको भी आप छोड़ दोगे, नहीं नहीं इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम। तो कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत, मारना तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ, राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ फोटो हाफ ये थी वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीजें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, आई मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठा। ये चीजें मैं एक बार टीवी में भी टीवी बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीजें राखी से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सलूशन था, राखी राखी आप मुझे मार रही हो पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ, प्लीज हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर खत्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट कि ये हुआ हुआ, हम अलग हो जाते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को खत्म कर लेते हैं। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता ना ऐसे इसमें हूँ, और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर वन। नंबर टू, राखी ने मेरे बिजनेस में हाँ ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 8-9 महीने तक राखी एट टू नाइन मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5-8 लाख रुपए इन अकाउंट कैश नहीं प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई, मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो, खत्म करो, और मैंने 41 लाख रुपीज राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हमें काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं, तो मैंने कहा ये है हिसाब और इसके हिसाब के ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था,
डैन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद है, बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता, उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। जी जी, यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था, अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है, राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम सिर्फ नाम है। ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ पहले भी, आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा रिसेंटली, जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल इसी। मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज एक डेढ़ साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? छह महीने जेल काटते हैं, घर वाले घर से निकाल देते, जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दांव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो, डरना इतना ही डरो जितना इंसान डर सके, मैं उतना ही डरना चाहिए जितना आप डर सको। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।